साथियों सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल मौर्य गुरु अकेडमी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ झारखंड सहायता पोर्टल के बारे में। दोस्तों अगर लॉकडाउन में फंसे लोग हैं, वापस आना चाहते हैं, तो इसको पंजीकरण करिए, आप लोगों को सहायता मिलेगा और आधिकारिक के द्वारा आप लोगों का लिस्ट जारी होगा और आप लोग आसानी से घर अपने आ सकते हैं। झारखंड सहायता पोर्टल के हिसाब से लॉकडाउन में जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उन लोग के लिए पंजीकरण अभी अभी निकल के आया अपडेट, 29 तारीख देख सकते हैं या 29 तारीख का अपडेट निकल के आया हुआ है झारखंड सहायता पोर्टल। दोस्तों जितने भी झारखंड के निवासी हैं लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो चलिए जान लेते हैं पूरा इसका अपडेट। साथियों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं क्या है इसका पूरा माध्यम। झारखंड राज्य के प्रवासी जो लॉकडाउन के कारण से राज्य के बाहर फंसे हुए हैं, वे घर आना चाहते हैं वापस, तो उनके लिए वेबसाइट पर पंजीकरण करें और पंजीकरण करने के बाद भी वापस नहीं आ सके वे पूर्ण पंजीकरण करें। आप लोगों को बता दिया जाए कि पूर्ण पंजीकरण करना होगा। अभी अभी अपडेट निकल के आया हुआ है सरकार की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से। दोस्तों सभी झारखंड के निवासियों के लिए बता दिया जाए कि झारखंड प्रवासी 3 जून तक 2020 तक अपना पंजीकरण इस वेबसाइट के करवा सकते हैं। 3 जून तक, मतलब आप लोगों को 3 जून तक ये अपडेट दिया हुआ है सभी लोगों को। तो फटाफट इसको पंजीकरण कैसे करना आप लोगों को पूरा इस वीडियो में बताएंगे। देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें आपको पंजीकरण करना है इसको। ये ऑफिशियल वेबसाइट हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताएंगे। तो साथियों आप लोगों को, अगर आप इस चैनल पर न्यू यूजर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं न्यू यूजर, तो आप लोग फटाफट ऐसी न्यू से न्यू अपडेट खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं, हमारी टीम हमारी फैमिली मेंबर का हिस्सा बने। आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, अगर जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऐसी न्यू से वीडियो प्रोवाइड कराती रहती है हमारी टीम, तो आप लोगों को जो इसका नोटिफिकेशन है तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए सहायता पोर्टल, झारखंड सहायता पोर्टल के पंजीकरण कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, हमारी टीम आपको इस पेज में झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रवासी लोगों को लिए शुरू की गई झारखंड सहायता पोर्टल के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएगी। कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसकी वजह से राज्य के कई लोग बाहर फंसे हुए हैं, तो आप लोगों को बता दिया जाए कि जो अलग स्टेट से फंसे हुए हैं, अलग स्टेट से रह रहे हैं, तो झारखंड को छोड़ के ये वीडियो झारखंड के निवासियों के लिए बना हुआ है। जो अलग स्टेट से, अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए भी कोई अपडेट आए तो साथ ही आप लोग हमारे से जुड़ जाएं और हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप किस स्टेट से हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप बता दिया जाए कि झारखंड सरकार ने अपने राज्य के सभी प्रवासी लोगों के लिए झारखंड सहायता पोर्टल शुरू किया है। जो भी लोग झारखंड वापस आना चाहते हैं वे वेबसाइट से दिनांक 3 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आप किस प्रकार अपना पंजीकरण करवा सकते हैं इसकी जानकारी के लिए आप इस पेज की आखिरी तक जरूर पढ़ें, आपको पूरा बताया जाएगा इस वीडियो में। आप लोगों को कुछ लोगों दिखा देता हूं, थंबनेल दिखा देता हूं, देख सकते हैं यह झारखंड सरकार ने अभी अभी अपडेट जारी किया है झारखंड सहायता पोर्टल। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में पूरा विस्तार से। साथियों आप लोगों को बता दिया जाए कि पूरा अच्छी तरह आपको बताएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं झारखंड सरकार द्वारा कोरोना वायरस के महामारी के कारण रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण से फंसे हुए गरीब 4 लाख अधिक प्रवासी झारखंड वासियों को अब तक वापस लाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो भी लोग झारखंड वापस आना चाहते हैं, झारखंड सहायता पोर्टल से पंजीकरण करिए और झारखंड वापस आइए। चलिए संपूर्ण जानकारी बता दिया जाए कि कैसे आप लोगों को इसका आवेदन करना है। आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि उसके बाद सरकारी द्वारा वापस झारखंड राज्य में पहुंचा दिया जाएगा आप लोग अगर आप आवेदन करते हैं तो। ठीक है ना, आप लोगों को बता दें जो लोग वापस आना के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं लेकिन अभी तक वापस नहीं आ सके हैं, उनसे आग्रह की जाएगी कृपया वे पूर्ण अपना पंजीकरण करवाएं इस वेबसाइट से। जिनके आप लोग पूर्ण पंजीकरण करें, आप लोग पूरा बढ़िया से करें, जिससे जिनको आप घर तक आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए अगर आप लोगों को कैसे करना है, कैसे पंजीकरण करना है, इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। तो साथियों सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में झारखंड सहायता पोर्टल को सर्च करें। ठीक है, झारखंड पोर्टल सहायता, ये देख सकते हैं ये है, इसको सर्च कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, या हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद जैसे ये खुल जाएगा उसके बाद आप लोगों को झारखंड सहायता पोर्टल के होम पेज पर खुल जाएगा। ठीक है ना, झारखंड सहायता होम पेज आपका खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद क्या करना है आप लोगों को, झारखंड सहायता पोर्टल पर आपसे पंजीकरण से संबंधित कुछ जानकारी भरनी होगी। ठीक है, जानकारी भरने के बाद केवल उन प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों के लिए झारखंड की यात्रा करना चाहते हैं तो आप बता दिया जाए कि मैं झारखंड जाना चाहता हूं, ऐसे लिखना होगा आप, मैं झारखंड जाना चाहता हूं, आई विश टू ट्रैवल टू झारखंड, इसमें आपको हाँ
पर क्लिक करना होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ लिखा होगा, मैं झारखंड जाना चाहता हूँ, तो उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसके बाद आपसे व्यक्तिगत जानकारी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे मोबाइल नंबर, यात्री का नाम, उम्र, एज, लिंग, सेक्स, यात्री श्रेणी, यदि सारा कुछ जानकारी पूछा जाएगा, आप लोगों को भर देना है, ठीक है। और आपके लिए कुछ मैं ऐसे होम स्क्रीनशॉट दिखाए तो क्या क्या भरना जाएगा आपको, यहाँ से कुछ ऐसे खुलेंगे, आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा, आप लोगों को वहाँ पर जब आप पेज पे जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, यहाँ मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, आप अपना नाम भर दीजिएगा, उम्र भर दीजिएगा, उसके बाद आप लोगों का आप पुरुष हैं या मेल हैं वो भर दीजिएगा, ठीक है। अगर मेल है तो इस पर टिक कर दीजिएगा, पुरुष है तो इस पर टिक कर दीजिएगा। और यात्री का श्रेणी मतलब प्रवासी मजदूर हैं या विद्यार्थी हैं या अन्य पेशेवर हैं या पर्यटक क्या हैं आप वो भर दीजिएगा, ठीक है। पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नई स्लाइड में आपसे वर्तमान स्थान झारखंड से बाहर के पूछे जाएगा, आप किस जगह स्थान या राज्य में फंसे हुए हैं उस स्थान का नाम भर दीजिएगा। उसके बाद भरने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, देख लीजिए कि आप किस स्थान में राजस्थान किस मतलब जगह पर फंसे हुए हैं, और आपके द्वारा फंसे हुए राज्य का नाम भरने के बाद कुछ जानकारी पूछी जाएगी, जैसे जिला, डिस्ट्रिक्ट, नाम, गाँव, शहर, स्थान, पूरा मूल निवास पूछा जाएगा, जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद शहर भर दीजिएगा यहाँ पर, शहर भरने के बाद आप लोगों को स्थान निवास अपना भर देना है। फिर आपसे परिवार के सदस्य का विवरण एक वन मांगा जाएगा, जैसे नाम, लिंग, संबंध, मोबाइल नंबर, गर्भवती महिला, स्तन करने वाली महिला, या यदि पूरी जानकारी भरनी होगी, ठीक है। इसके बाद भरने के बाद आप लोगों को अंत में आपसे परिवार के सदस्य का विवरण मांगा जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना, आप चाहो तो विवरण दे सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देना होगा तो हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, यस पे नो तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं। आखिर में आपसे झारखंड का पता मांगा जाएगा, किस पते पे आप जाना चाहते हैं, जैसे जिला, प्रखंड, शहर, ग्राम पंचायत, वार्ड, नाम, ग्राम, सारा कुछ भरना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर भरने के बाद नीचे फिर आपको झारखंड में संपर्क व्यक्ति का विवरण देना होगा, जो आपके आपको लेन देन के लिए आएगा, ठीक है ना, आपको लेने के लिए आएगा, आप लोगों को बता दीजिए। अंत में आपको घोषणा भरना होगा, जिसमें लिखा होगा कि मैं इस बात का घोषणा करता हूँ कि व्यक्तिगत जानकारी सही है, और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के लिए मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि झारखंड सरकार के निर्देश से स्वागत अवगत हूं, और कोई उच्च जोखिम वाली चिकित्सा नहीं है, आप लोगों को ये भरना पड़ेगा। और जब मैं राज्य में लौटता हूं तो मुझे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन से गुजरना होगा, ये आपको लिख के भरना होगा। लिख के भरने के बाद ऐसा कुछ आप लोगों को देना होगा, स्वीकार करना होगा, स्वीकार करता हूँ क्लिक पे क्लिक करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है ना, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस पे मत क्लिक कर दीजिएगा, मैं अब स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इस पे फिर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, इस पे कर दीजिएगा मैं स्वीकार करता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा, सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आप लोगों का ये पूरा प्रोसेस जारी हो जाएगा और आप लोगों को भेजा जाएगा। दोस्तों आप लोग ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो को। झारखंड के जितने भी निवासी हैं सभी लोगों के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त यार जितने भी जो लोग बाहर फंसे हुए हैं सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, तो ये झारखंड के अभी अभी अपडेट जारी हुआ सभी लोगों के लिए जितने भी झारखंड के निवासी हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से एक बार, आप सभी लोगों के बीच चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।